हार के बाद भी रोहित और एमआई को मिली तीन सबसे बड़ी खुशखबरी। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और क्या है वो मुंबई इंडियंस टीम के लिए तीन बड़ी खुशखबरी, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें रिपोर्ट की, दरअसल भाई आईपीएल 2024 के रोमांच भरे मुकाबलों में यहां पे संडे को जहां पे डबल हेडर मुकाबले थे तो वहीं शाम को वानखेड़े में सीएसके और मुंबई का मैच खेला गया था, जहां पे इस मुकाबले में यूं कहें कि सीएसके टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 206 रनों का टारगेट दिया। इसी के साथ एमआई की टीम ये इसको चेस करने में नाकाम रही। जी दरअसल एमआई की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 106 रन बनाए और सीएसके की टीम ये मुकाबला जीत गई। हालांकि इस मुकाबले के हारने के बाद भी एमआई की टीम को तीन सबसे बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो एमआई के लिए तीन बड़ी खुशखबरी। पहली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वो निकल के आती है भैया आपको बताया कि रोहित शर्मा को लेकर। जी हाँ, रोहित शर्मा इस समय काफी शानदार परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं और वहां पे सीएसके के खिलाफ उन्होंने जहां पे 63 गेंदों में 105 रनों की नाबाद और बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के भी लगाए। और साथ साथ अब यहां पता चल गया है कि भैया रोहित शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में भी है और इसी के बाद आईपीएल के बाद यहां पे T20 वर्ल्ड कप भी आएगा, ताकि यहां पे टीम इंडिया के लिए और साथ साथ एमआई के फैंस के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पे दूसरी बड़ी खुशखबरी के लिए, तो दूसरी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है यहां पे आपको बताया कि सूर्य कुमार यादव को लेकर। सूर्य कुमार यादव भले ही सीएसके वाले मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन अब अगले मैच के लिए वो पूरी तरीके से फिट और जमकर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, नेट पर लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि अब इस मैच के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं सूर्य कुमार यादव। इसी के साथ अगर बात करें यहां पे अब तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी की, तो तीसरी आखिरी बड़ी खुशखबरी यह है अगर यहां पे एमआई की टीम अपना तीसरा मैच जीत जाती है, जो यानी कि अब मैच इनका खेला जाएगा सातवां मुकाबला एमआई का, उस मुकाबले में जीतती है तो वो सीधा पॉइंट टेबल में आपको बताया कि सातवें या छठे स्थान पर पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो यहां पे एमआई के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आएगी। आप ही क्या राय इन तीन खुशखबरी के बारे में, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, तब तक के लिए धन्यवाद।